पूर्णिया जंक्शन स्टेशन परिसर में गुरुवार को एटीएम का किया गया शुभारंभ। बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय प्रबंधक एवं स्टेशन अधीक्षक एवं अन्य अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से एटीएम का किया गया उद्घाटन। इस मौके पर स्टेशन अधीक्षक मुन्ना कुमार, बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय प्रबंधक ने संयुक्त रूप से फीता काटकर एटीएम का उद्घाटन किया। इस मौके पर कई बैंक अधिकारी एवं रेल के दर्जनों अधिकारी मौजूद रहे। एटीएम के उद्घाटन को लेकर स्टेशन अधीक्षक मुन्ना कुमार ने कहा, पूर्णिया जंक्शन ए क्लास श्रेणी में आने वाला स्टेशन है। यहां से राजस्व की भी अच्छी खासी पूर्ति होती है। यहां से यात्रा करने वाले यात्रियों की भी काफी संख्या रहती है। पूर्णिया जंक्शन पर एटीएम की सुविधा के कारण लोगों को काफी परेशानी होती थी, लेकिन अब बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम गुरुवार को उद्घाटन किया गया, जिसके बाद लोगों की यह समस्या दूर हो जाएगी और लोग यहां पर एटीएम से आसानी से 24 घंटे पैसे निकाल सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्णिया जंक्शन के अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा दूसरे अन्य जंक्शन पर भी एटीएम खुलने की प्रक्रिया प्रस्तावित है। वहीं एटीएम के खुलने को लेकर यात्रियों में भी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। ए क्लास स्टेशन की श्रेणी में आती है, जिसका अर्निंग्स बहुत ही अच्छा है और पैसेंजर भी काफ़ी यहाँ से होते हैं, जिसके लेकर एक कमी हो रही थी एटीएम की, जो काफ़ी दिनों से हम लोग प्रयासरत रहते कि भाई एसबीआई का एक एटीएम हो जाए, और भी किसी का हो जाए, बैंक ऑफ बड़ौदा का हो, या भी जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के हमारे रीजनल मैनेजर हैं, जिन्होंने काफ़ी मेहनत की इस पर और उनको ये एटीएम का वो सुविधा प्रदान किया गया उनके द्वारा, और रेल के जो रूल थे उस रूल के अनुसार उनको जगह दिया गया, जिनमें चार स्टेशन पे उनका एटीएम मिला है, एक पूर्णिया, फारबिसगंज, किशनगंज और कटिहार, जिसमें पहला ओपनिंग कल पूर्णिया में किया गया, जिसमें यात्रियों में काफ़ी खुशी देखी गई, लोकल लोगों में भी देखा गया और हमारे एम्प्लॉय भी जितने हैं उन लोगों में बहुत ही खुशी देखी गई, चूँकि जो भी यहाँ से एटीएम थे वो 2 किलोमीटर के दूरी पे थे, 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, तो काफ़ी सुविधाएं मिलेगी सभी लोगों को, खासकर पैसेंजर को, क्योंकि पैसेंजर स्टेशन परिसर में है, तो पैसेंजर को ध्यान में रखकर इसको